हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज की पहली वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल हैं। मैं आपको इस वीडियो में हर एक सेंटेंस के बाद 3 सेकेंड्स का टाइम गैप दूंगा, जिसमें आपको भी वो सेंटेंस बोलकर रिपीट करना है। इस तरीके से आपको वो सेंटेंस याद रहेगा और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आई होप मेरा ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइज, अभी शुरू करते हैं। कुछ भी रातों रात नहीं होता, नथिंग हैपन्स ओवर नाइट, नथिंग हैपन्स ओवर नाइट। फ्रेंड्स, अभी आपको भी यह सेंटेंस बोलकर रिपीट करना है। और हाँ, मन में नहीं बोलना है, आवाज़ निकाल कर बोल कर रिपीट करना है, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए रिपीट कीजिए। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, नथिंग लास्ट फॉर एवर, नथिंग लास्ट फॉर एवर। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स। समय हर घाव भर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम हील्स एवरीथिंग। मैंने यह सोचा भी नहीं था, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। यह जल्दबाजी में लिया फैसला था, इट वॉज अ हास्टी डिसीजन, इट वॉज अ हास्टी डिसीजन। थोड़ी देर सो जाओ, टेक अ नैप, टेक अ नैप। छत टपक रही है, द रूफ इज लीकिंग, द रूफ इज लीकिंग। सब अच्छा दिख रहा है, एवरीथिंग लुक्स गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड।
एक निर्णय लो, मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन। इसे लिख लो, राइट डाउन दिस, राइट डाउन दिस। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वीडियोज़ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रह सके। सो टाइम गैप मेथड पर यह मेरा पहला वीडियो था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।